वेल, बिजनेस मैथमेटिक्स में आज डिस्कस करने जा रहे हैं एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल यहाँ पर मिस्टेक है. द एवरेज कॉन्सेप्ट, एवरेज का क्या मतलब होता है? एवरेज का मतलब होता है कि आपको एक सिंगल यूनिट के लिए क्या पेमेंट करना पड़ा. अगर आपने कुछ आइटम्स मान लीजिए आपने परचेज की और अलग अलग रेट की थी, एक रेट की नहीं थी, तो ऐसी सिचुएशन में आपने जितनी नंबर ऑफ आइटम्स खरीदी और उन सबको मिलाकर के टोटल कितना कॉस्ट दिया, उनका डिवीजन अगर मैं कर लूं तो टोटल कितना खर्चा हुआ और कितनी आइटम आपके हाथ में आई, उनका डिवीजन जो है वो एवरेज कॉस्ट बन जाता है. जबकि एक मार्जिनल कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज. किसी भी क्षण किसी भी समय पर जो चेंज हुआ ऑफ वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू द अनदर क्वांटिटी, ये मार्जिनल की बात होती है. और अगर सीधे सीधे शब्दों में बात करूं मैं आपसे तो हम बात करने जा रहे हैं एवरेज कॉस्ट की. अगर मैं टोटल कॉस्ट को एक फंक्शन एफ एक्स से रिप्रेजेंट करूं, सी जो है वो टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और प्रोड्यूसिंग एंड मार्केटिंग द एक्स यूनिट्स टोटल कॉस्ट और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड या मार्केट, तो देन द एवरेज कॉस्ट, जिसे आप एसी से लिखेंगे एवरेज कॉस्ट, तो दैट एसी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय एक्स. सी डिवाइडेड बाय एक्स का मतलब है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, जिसे एक्स से रिप्रेजेंट कर रखा हमने यहां पर. करेक्ट, ये तो हुई जी टोटल कॉस्ट की बात. अब बात आई जी मार्जिनल कॉस्ट, जिसे एमसी से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करते हैं या उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ आइटम्स. कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट में किस तरह से चेंज होता चला जा रहा है जब आप क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ आइटम्स में चेंज कर रहे हैं. ठीक है, तो कहते हैं वी इंटरप्रेट द मार्जिनल कॉस्ट एज द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट. एक एडिशनल यूनिट अगर आप लेते हैं तो कॉस्ट में कितना अप्रोक्सीमेट चेंज हो जाता है, उसे हम मार्जिनल कॉस्ट बोला करते हैं. आइए करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स. पहले सबसे पहला प्रॉब्लम हमारे सामने और देखें उसमें क्या गिवन है मुझे, कि इफ ए मैन्युफैक्चरर्स टोटल कॉस्ट इज गिवन बाय दिस इज द टोटल कॉस्ट, जिसे आप सी एक्स से रिप्रेजेंट कीजिए, 0.1 x² + 3, दिस इज द टोटल कॉस्ट. अब मेरे से क्या क्या क्वेश्चन किए गए, सबसे पहला पार्ट मेरे से पूछा गया एवरेज कॉस्ट के बारे में. मालूम है आप लोगों को कि एवरेज कॉस्ट के लिए जो फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स यानी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यानी आपके पास आ गया 0.1 x² + 3 डिवाइडेड बाय एक्स. तो एक्स से डिवाइड करेंगे तो 0.1 x + 3 डिवाइडेड बाय एक्स, ये मेरे पास एवरेज कॉस्ट हो गया थी. दूसरा पूछा मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन. अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, डी बाय डी एक्स ऑफ द टोटल कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट है उसका डेरिवेटिव कर दीजिए और टोटल कॉस्ट आपके पास जो गिवन है दैट इज 0.1 x² + 3, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.2 x + 0. तो दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट 0.2
टू एक्स, करेक्ट। अब तीसरा पार्ट जो है मार्जिनल कॉस्ट व्हेन फोर यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, आपसे बोला गया इस मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू आप बताइए जबकि नंबर ऑफ आइटम्स यानी एक्स की वैल्यू आपके पास फोर हो। तो ये मार्जिनल कॉस्ट का एक्सप्रेशन मैंने निकाला, इसमें मुझे बोला गया इसमें एक्स की जगह फोर पुट कर दीजिए, तो 0.8 आ गया जी मेरे पास, करेक्ट। अब इसमें एक चीज और भी पूछे, इंटरप्रेट द रिजल्ट। इंटरप्रेट द रिजल्ट का मतलब है कि मार्जिनल कॉस्ट की जो ये वैल्यू 0.8 आपके पास आई है इसका मीनिंग क्या है। आइए समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग आपके पास है कि मार्जिनल कॉस्ट एट x इक्वल टू 4 इज 0.8, यानी इसका मीनिंग आपके पास हुआ कि आपके पास x इज इक्वल टू 4 है, इस लेवल पर अगर आप 1 यूनिट यानी फ्रॉम 4 टू 5 करते हैं, फ्रॉम 4 टू 5 करते हैं तो आपको जो एक यूनिट के लिए एडिशनल कॉस्ट देना पड़ेगा दैट इज 0.8 फ्रॉम 4 टू 5, तो आपके पास बोला गया कि एडिशनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 0.8 है, वो रुपीस भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है, तो एक एडिशनल कॉस्ट आपकी इतनी आ जाएगी जी। लेकिन अगर मैं एक्चुअल कॉस्ट की बात करूं आपसे कि इस लेवल पर एक्चुअल कॉस्ट कितनी आने वाली है, तो उस एक्चुअल कॉस्ट को अगर आप लोग निकालें तो वो कितना आएगा जी, उसको देखते हैं जी। अब देखिए कॉस्ट फंक्शन मेरे पास क्या गिवन था जी, कॉस्ट फंक्शन हमको गिवन था 0.1x² + 3। तो अब अगर आप 4 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की बात करें तो 0.1 × 4² + 3, और 5 आइटम्स को प्रोड्यूस करने की बात करें बनाने की बात करें तो 0.1 × 5² + 3, और अगर ये 5 यूनिट का, ये 4 यूनिट्स का कॉस्ट है, ये 5 यूनिट्स का कॉस्ट है, अगर आपसे पूछा जाए कि पांचवी यूनिट को बनाने के लिए कितना कॉस्ट देना पड़ा, तो आपने क्या किया 5 यूनिट के कॉस्ट में से 4 यूनिट के कॉस्ट को माइनस कर दिया, तो माइनस करेंगे तो ये तो आपस में माइनस हो ही जाएंगे जी, तो मेरे पास आ गया 0.1 आउटसाइड, 25 − 16 = 25 − 16, तो 0.19, तो दैट इज 0.9। तो एक्चुअल कॉस्ट आपके पास ये है लेकिन मार्जिनल कॉस्ट की जो वैल्यू आपके पास है दैट इज 0.8। तो दिस इज द एक्चुअल कॉस्ट, दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट, यानी 4 यूनिट के बाद एक पांचवी यूनिट, एक एडिशनल यूनिट लगाने के लिए हमें एट x इक्वल टू 4 इतना कॉस्ट देना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट अगर आप देखें तो वो हमारे पास इतना आ रहा है। इज इट फाइन, करेक्ट। आइए और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, आइए देखते हैं जी क्या है वो भी इसी पर बेस्ड, टोटल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट पर बेस्ड प्रॉब्लम है मेरे सामने। देखिए क्या है, पढ़ते हैं इसको पहले। द टोटल कॉस्ट ऑफ ए फर्म इज गिवन बाय दिस, आपको गिवन है सी एक्स इज इक्वल्स 0.05 x³ − 0.02 x² − 30 x + 5000, where x is the output, determine the average cost। आइए बारी बारी से एक एक पार्ट को चूज करते जाते हैं। एवरेज कॉस्ट क्या होता है जी, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई x, यानी ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने हर एक टर्म को x से डिवाइड कर दीजिए तो 0.005 x² हो जाएगा ये, −0.02 x आएगा मेरे पास, −30 आपके पास आ जाएगा,
and then 5000 divided by x. This is the average cost. Correct? पहला पार्ट तो यह है। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरे पार्ट में पूछा मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। वर्ड जब भी कभी मार्जिनल आता है तो मार्जिनल का मतलब डेरिवेटिव। आपसे बोला गया मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, जिसका मतलब हुआ d बाई डी एक्स ऑफ एवरेज कॉस्ट। इस एवरेज कॉस्ट का जो कि ऊपर एक्सप्रेशन मैंने निकाला है उसका डेरिवेटिव कर लीजिए, दैट इज मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। तो डेरिवेटिव करेंगे तो 0.0 और ये आ जाएगा 10x माइनस 0.02, 30 कांस्टेंट है 0 आ जाएगा और प्लस 5000 कांस्टेंट है, ये 1 over x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 over x square। ये मेरे पास आ गया मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल वर्ड का मैंने क्या मतलब बताया? मार्जिनल का मतलब डेरिवेटिव। मार्जिनल एवरेज कॉस्ट का मतलब इस एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव कर लीजिए। ऊपर आपने एवरेज कॉस्ट ऑलरेडी निकाला है, उसका मैंने डेरिवेटिव कर लिया तो मार्जिनल एवरेज कॉस्ट मेरे पास आ गया जी। चलिए तीसरा पार्ट देखते हैं जी। मार्जिनल कॉस्ट, एमसी, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब डेरिवेटिव कर दीजिए उस टोटल कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट जो स्टार्टिंग में ऊपर गिवन थी जी मुझे, आइए 0.015 x square, उसके बाद माइनस 0.04 x माइनस 30। ये मेरे पास मार्जिनल कॉस्ट का एक्सप्रेशन आ गया जी। ठीक है, आइए तीसरे पार्ट की बात करते हैं जी। तीसरा पार्ट क्या है जी मेरे पास? तीसरा पार्ट मेरे से पूछा गया है ना, फोर्थ पार्ट मेरे से पूछा गया है क्या? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट यानी मार्जिनल कॉस्ट का भी डेरिवेटिव, मार्जिनल कॉस्ट और उसका भी रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डेरिवेटिव। दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्ट यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मार्जिनल कॉस्ट लिखा मैंने, उसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लिया। ये लो जी, ये रहा मेरे पास मार्जिनल कॉस्ट का एक्सप्रेशन। इसको आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए तो डी बाई डी एक्स आपको निकालना है 0.015 x square माइनस 0.04 x एंड देन माइनस 30। इसका मुझे डिफरेंशिएशन कर लेना है जी। करेक्ट, तो वो कितना आएगा जी? ये आ जाएगा 0.030 x माइनस 0.04 x का डेरिवेटिव 1 और जो 30 है इसका 0, यानी 0.030 x माइनस 0.04। करेक्ट, आइए अगले पार्ट पर बढ़ते हैं और वो फिफ्थ पार्ट है मेरे पास। उसमें क्या बोला गया? वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। बड़े ध्यान से देखना आप इसको। मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब डेरिवेटिव से होता है। वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आइए जी अब इसको समझते हैं जी। पहले इसके लिए मुझे क्या देखना है? मुझे अपने उस कॉस्ट फंक्शन को देखना है। बड़े ध्यान से देखें आप कॉस्ट फंक्शन। ये मेरे पास x प्रेजेंट है, चलिए यहां देख लेते हैं। यहां x है, यहां भी x है, ये भी x है, लेकिन इसके साथ x नहीं है। तो जिसके साथ x नहीं है समझिए वो फिक्स्ड कॉस्ट है। तो बाकी जो तीन एक्सप्रेशन और बचे हैं वो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है। तो लो जी, सबसे पहले तो मैंने लिखा उस वेरिएबल कॉस्ट को। वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास है 0.005 x³ माइनस 0.02 x² माइनस 30 x। ये मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट हो गए।
मुझे तो चाहिए मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट। तो मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है इसका डेरिवेटिव आप कर दीजिए, क्योंकि मार्जिनल का वर्ड मार्जिनल मैंने बोला जहां भी मार्जिनल आपके पास आए आप उसका डेरिवेटिव कर दीजिए। तो 0.0 ये कितना था 5 था, ये 0.05 तो इसका आप डेरिवेटिव कर दीजिए तो यह आ जाएगा 0.015x² माइनस 0.04x एंड माइनस 30। ये मेरे पास आ गया मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट, करेक्ट। अब आइए उस वेरिएबल कॉस्ट का एवरेज। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी इस वेरिएबल कॉस्ट का एवरेज ले लीजिए, यानी इस वेरिएबल कॉस्ट को x से डिवाइड कर दीजिए। एवरेज का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम से आप उसे डिवीजन कीजिए। तो डिवीजन करूंगा तो 0.005x² माइनस 0.02x एंड माइनस 30। उसने बोला मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को इक्वल पुट करना है, हैं? तो तब मुझे x का वैल्यू निकालना है जी, राइट। तो आपसे बोला गया बट मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल मैंने पुट किया, इसका मतलब ठीक है। तो ये आया मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू दिस। तो ये माइनस 30 से ये माइनस 30 कैंसिल हो गया और इसे इधर ले आइए, इसे इधर ले आइए, तो मेरे पास इससे x की वैल्यूज निकल जाएंगी। तो जब मैं इसको यहां से माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.01x² माइनस 0.02x इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन निकाल लीजिए तो 0.01x माइनस 0.02 इज इक्वल्स टू 0। अब या तो आपके पास x की वैल्यू 0 आ गई या फिर x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, ठीक है। तो ये x की वैल्यूज हैं 0 या 2 जिस पर मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपस में एक दूसरे के इक्वल हो गए। ये प्रॉब्लम मेरे से पूछा गया था जी, राइट। आइए और आगे बढ़ते हैं। अब डिस्कशन हम करने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व, एवरेज कॉस्ट कर्व एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो यहां पर हमने सबसे पहले ये डिफरेंट कर्व्स बनाए, कितने अंडर नेचुरल इकोनॉमिक लिमिटेशंस वी अज्यूम दैट एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स का जो शेप होता है दैट इज द यू शेप। तो यहां देखिए इस रेड कलर से हमने ये एवरेज कॉस्ट को रिप्रेजेंट किया और यहां हमने ये मार्जिनल कॉस्ट को रिप्रेजेंट किया जी, ठीक है। अब अगर आप इनको बड़े ध्यान से देखें तो आप देख रहे हैं ये आपके पास पॉइंट है जहां पर दोनों कर्व्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, कट किया। इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट आपस में इक्वल हो गए। तो वेयर द मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट एट दैट पॉइंट द एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। वहां पर एवरेज कॉस्ट का वैल्यू मिनिमम आपके पास होता है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट कर लेस देन एवरेज कॉस्ट कर। अब देखिए यहां से अगर पीछे की तरफ जाए तो एवरेज कॉस्ट कर जो है वो ऊपर है, इसका मतलब एवरेज कॉस्ट की वैल्यू ज्यादा है, मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू उसके कंपेयर में कम है। तो ऐसी सिचुएशन में जब मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू एवरेज कॉस्ट से कम होती है तो एवरेज कॉस्ट कर्व क्या करता है, डिक्रीज करता है, यानी नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद सिचुएशन पलट गई जी, एवरेज कॉस्ट कर्व इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया जब मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू एवरेज कॉस्ट से ऊपर निकल गई जी, ऊपर चली गई जी। इज इट फाइन? तो ये मेरे पास डिफरेंट सिचुएशंस हैं जी। तो ये एक रिलेशनशिप मेरे सामने, तीन रिलेशनशिप मेरे पास सामने हैं जिन्हें हम रिलेशन बिटवीन द एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स बोला करते हैं जी।
इज इट फाइन राइट. तो इतना ही रहने देंगे इस सेक्शन में. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.